बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लेक्चर यूनिट नंबर 6 जो है इसको स्टार्ट करेंगे, वायरलेस कम्युनिकेशन। आपके रिड्यूस सिलेबस में इसके सिर्फ दो ही आर्टिकल 6.1 और 6.2 हैं। बेसिकली हमने जो है इसमें शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन तक ही जो है इसको करना है, इतना ही हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, यूनिट इंट्रोडक्शन देखें। वायरलेस कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया इन टेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। टेली कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? दूर से कम्युनिकेशन, यानी दूर से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। टेली मीन दूर, तो दूर से जो कम्युनिकेशन हो रही है, यानी दो जो सेंडिंग डिवाइस है, रिसीविंग डिवाइस है, वो करीब करीब फिजिकली नहीं है, बल्कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस पर है। वो डिस्टेंस शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। और उसके अलावा कंप्यूटर्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, नेटवर्किंग मौजूद है उनमें। तो ये सारी चीजें जो है इनके लिए, इन सब में जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा जो है वो हमारे लिए सहूलत ज्यादा हो गई है वायरलेस कम्युनिकेशन की वजह से। दिस यूनिट इज डेडिकेटेड टू वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। इट डिफाइंस कॉमन यूज वायरलेस कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज and presents contents about the types of signals, devices and architecture used for creating wireless communication network. यहाँ पर हम इस यूनिट में ये देखेंगे कि वायरलेस, आपने इससे पहले जो है वो वायर्ड मीडिया देखा है, गाइडेड मीडिया देखा है, आपने देखा है केबल्स के जरिए नेटवर्क किस तरह बनाए जाते थे, आपने डिफरेंट टोपोलॉजीज देखी हैं, डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया है, राउटर्स, हब, स्विचेस वगैरह सब ये गेटवे। ये चीजें अब आप लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 5 में स्टडी करके आ चुकी हैं। अब आप देखेंगे कि वही चीजें जो पहले हम केबल्स के जरिए कनेक्टिविटी से कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके हासिल करते थे, वही फीचर्स, वही तमाम चीजें हमें वायरलेस कम्युनिकेशन से कैसे मिल सकती हैं। इसमें शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारे रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस है, तो हम उसी को स्टडी करेंगे। अब देखते हैं हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है इसका। वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। यानी फिजिकल केबल्स जो होती थी, पहले कनेक्ट होती थी, वो अब इनमें कनेक्टेड नहीं है, बल्कि इसके बगैर जो कम्युनिकेशन है उसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मोबाइल टेलीफोन, वेरियस सैटेलाइट सर्विसेज एंड नाउ द वायरलेस इंटरनेट एंड वायरलेस लैंस आर जनरेटिंग इनक्रेडिबल चेंजेस इन टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो रही हैं वायरलेस की वजह से, कि इसमें हमारे पास बहुत सी सैटेलाइट सर्विसेज हैं, क्योंकि बहुत पहले अगर आप देखें कुछ अर्सा पहले जब ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी और हमारे पास बहुत एफिशिएंट डिवाइसेज नहीं थे, तो ये कम्युनिकेशन इतनी आसान नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास बहुत एफिशिएंट डिवाइसेस आ गए हैं, सैटेलाइट सर्विस आ गई है, और उसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस हो चुकी है टेक्नोलॉजी में, जिसकी हेल्प से वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे लिए ना सिर्फ इजी हो चुकी है बल्कि बहुत इफेक्टिव हो गई है। और ऐसे तमाम एरियाज जहां पर केबल्स बिछाना, केबल्स पहुंचाना, केबल्स के जरिए कम्युनिकेशन या कनेक्टिविटी पहुंचाना मुश्किल है, वो उन तमाम एरियाज में चंद डिवाइसेस को इंस्टॉल करने के बाद आपको अक्रॉस द कंट्री, इवन पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री में भी आपको सेल फोन की फैसिलिटी तकरीबन पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। कुछ जगह पर प्रॉब्लम्स आते हैं सिग्नल्स वगैरह के, लेकिन बहरहाल समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना कुछ किसी हद तक जो है बहुत रिमोट एरियाज में भी ये कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। वायरलेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स। वही चीज रिपीट हो रही है कि केबल्स के बगैर जो है, वायर्स के बगैर कनेक्टिविटी है, मैंने आपको बताया। इसी की वजह से बहुत से ऐसे एरियाज में भी अब आपके पास ये सारी सर्विसेज इंटरनेट की, टेलीफोन की, ये इसी की बदौलत है कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो हमारे लिए माजी की निस्बत ज्यादा आसान हो गई है। और ये केबल्स का एक अल्टरनेटिव है, वही चीज रिपीट हो रही है टेक्स्ट में बार बार, और इसलिए जो आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन है इसकी डिमांड आप कह लें कि बढ़ रही है एज कम्पेयर टू वायर्ड नेटवर्क्स। अब देखते हैं वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। आप नेटवर्क की डेफिनेशन और इस तरह की चीजें पहले पढ़ के आ चुके हैं, अब हम सिर्फ देखेंगे उसको वायरलेस नेटवर्क के हवाले से। द टर्म वायरलेस रेफर्स टू द कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग वायर्स। अब हम ये बार बार पढ़ चुके हैं
केबल्स या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कोई फिजिकल डिवाइस इस तरह से उसमें शामिल, डायरेक्टली शामिल नहीं है। डिवाइसेस जरूर शामिल हैं, बट वो डिवाइसेस जो है वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं है। उसके अलावा इसमें आपके पास ये एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है डाटा ट्रांसमिशन का, जिसके जरिए जो है डाटा इंफॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसमिट हो रही है। इन वायरलेस नेटवर्क द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द एयर विदाउट रिक्वायरिंग एनी केबल। अब केबल्स का हमने पीछे क्या पर्पस देखा है लास्ट चैप्टर में, केबल्स एक मीडियम प्रोवाइड करती हैं जिसके जरिए डाटा ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर भी मीडियम तो डेफिनेटली यूज हो रहा है, बट वो मीडियम एयर है जो कुदरती तौर पर ऑलरेडी हर जगह पर दुनिया में हमारे पास मौजूद है। अर्थ पे एटलीस्ट हमारे पास ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, तो यहाँ पर एयर जो है वो एज ए मीडियम रोल प्ले कर रही है। सम इम्पॉर्टेंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज आर सैटेलाइट। अब कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके वजह से हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल हुई है? सैटेलाइट है, माइक्रोवेव, वाईमैक्स, वाईफाई, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ। ये नाम है उन टेक्नोलॉजीज के जिनकी हेल्प से दो डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट किए बगैर उनके दरमियान डाटा को ट्रांसफर करना मुमकिन हो सकता है। अब हमारे पास जो है टुडे द टर्म वायरलेस रेफर्स टू वैरायटी ऑफ डिवाइसेस रेंजिंग फ्रॉम स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब्स, कंप्यूटर, प्रिंटर। अब वायरलेस जो है किसी जमाने में अगर आप देखें तो वायरलेस डिवाइस हम कहते थे जो कि आमतौर पर फौजी जो लोग जो है वो जब अपने फौजी मशकों पर या जंग की हालत में ऐसे एरियाज में जाते थे, मोबाइल फोन भी नहीं होते थे उस वक्त, तो वहां पर वो ये वायरलेस एक डिवाइस हम कहते थे उसको, उसकी हेल्प से वो कम्युनिकेशन करते थे एक दूसरे के साथ। वो वॉकी टॉकी और इस टाइप की आपके पास जो है वो एक डिवाइस होता है। लेकिन यहाँ पर जो है अब वायरलेस जो है, अब तो वायरलेस जो है आपके घर के अंदर भी यूज हो रहा है। आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस में, इंस्टीट्यूशंस में, हर जगह पर आपको जो है वो वाईफाई की सर्विस इंटरनेट की सूरत में तो तकरीबन हर जगह अवेलेबल होती है। इवन शॉप्स वगैरह पर जाते हैं आप, अच्छे स्टोर्स पे जाते हैं वहां पर भी, और एयरपोर्ट्स पर, ऑफिस में, हर जगह आपको ये सर्विस अवेलेबल होती है। तो अब जो है वो वायरलेस का वर्ड जो है ये बहुत ब्रॉड हो गया है। अब इसके अंदर सारे डिवाइसेज आ गए हैं तकरीबन, इवन के आपके जो डोमेस्टिक अप्लायंसेज हैं जिनके बारे में पहले इतना तसव्वुर नहीं था कि उनका भी इंटरनेट से कोई लिंक हो सकता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हैं, जैसे एयर कंडीशनर हैं, इसी तरह से आपके सिक्योरिटी कैमराज हैं, घरों में लगने वाले आपकी लाइट्स हैं, आप दूर से रिमोटली आप अपने घरों की लाइट्स को स्विच ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वायरलेस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो सकी हैं। और इसमें वायरलेस नेटवर्क एनेबल्स द पीपल टू कम्युनिकेट एंड एक्सेस एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन विदाउट वायर्स। मतलब बार बार इसकी रेपिटेशन इस टेक्स्ट में यही हो रही है कि जो भी टास्क करना है, कम्युनिकेशन करनी है, एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, डाटा ट्रांसफर करना है, वॉइस ट्रांसफर करनी है, इमेजेस भेजनी है, बट वायर्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड। दैट्स व्हाई इसको आप वायरलेस कहते हैं कि ये वायर्स के बगैर चीज है। दिस प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब इसका बेनिफिट क्या है? अगर केबल्स के जरिए होता तो आप केबल्स के साथ बाउंड होते हैं, जहां पर कनेक्टिविटी अवेलेबल है आपके घर में, अगर लैंडलाइन फोन है तो आपको फोन कॉल करने के लिए घर पे आना पड़ेगा। लेकिन सेलफोन जो है वो वायरलेस डिवाइस है, वो वायरलेस कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए आप कहीं पर भी घर के किसी हिस्से में, शहर के किसी हिस्से में और अपने घर से दूर दुनिया के किसी हिस्से में जाके आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक की एक ट्रांजेक्शन करनी है, अब आपका बैंक फिजिकली किसी एक शहर में किसी एक ब्रांच में आपका अकाउंट है, लेकिन पूरी दुनिया में आप जहां चाहें आप वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसे, मनी जो है वो विदड्रॉ कर सकते हैं, अपने अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब चीजें वायरलेस की जो है टेक्नोलॉजी की बदौलत है। और उसके अलावा जो है इसके जरिए आप ईमेल्स वगैरह भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन इंटरनेट को जो है वो आप यूज कर सकते हैं, जिसको वाईफाई, जो कॉमनली हर इंसान को, जिसको चाहे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको वाईफाई का और स्मार्टफोन का और इंटरनेट का पता है। तो आप अपने जो स्मार्टफोन के ऊपर इंटरनेट जब वाईफाई सर्विस से यूज करते हैं, तब भी आप वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। अब ये इसमें हमारे पास बहुत सारे जो है वो डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वायरलेस के अंदर, जैसे ऊपर हमने नाम भी उनके देखे हैं। बट अ डिस्टिंग्विश्ड एट्रीब्यूट ऑफ वायरलेस नेटवर्क इज दैट कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन
कंप्यूटर डिवाइसेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो है ना आपके पास, उनके दरमियान जब कम्युनिकेशन हो रही है तो उसको हम ज्यादातर उसको हम काउंट करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। दीज डिवाइसेस इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर, डिजिटल असिस्टेंट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, स्मार्टफोन वगैरह। अब आप देखें कंप्यूटर से अब क्या मुराद है। अब कंप्यूटर सिर्फ वही महदूद नहीं रह गया वहां तक कि आपके पास एक बड़ा सा डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसके बड़े सी मॉनिटर स्क्रीन है और आपकी वो कंप्यूटर टेबल पे पड़ा है, बल्कि आपके हाथ में जो एक छोटा सा स्मार्टफोन है वो भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। उसके अंदर भी वही चीजें हैं, उसके अंदर भी एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसके अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो एक बड़े कंप्यूटर में हुआ करते थे। तो आपका एक स्मार्टफोन जो है वो भी कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो इसलिए कंप्यूटिंग डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन कह रहे हैं। इसी तरह प्रिंटर्स वगैरह भी नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वायरलेस तरीके से, स्कैनर कर सकते हैं और उसके अलावा होम अप्लायंसेस कर सकते हैं, काफी सारी वो तमाम चीजें जिनके अंदर वाईफाई से या वायरलेस नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो एक वायरलेस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि जितने कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं इनमें प्रोसेसर भी है, मेमोरी भी है। आप एक स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो आपको शॉपकीपर एक डिटेल उसके स्पेसिफिकेशन की बताते हैं कि जिसकी इंटरनल मेमोरी इतनी है, रैम इतनी है और उसकी स्पीड प्रोसेसर की इतनी है। ये सारे फीचर्स वही हैं जो एक कंप्यूटर के होते हैं। और इसके जरिए हम ईमेल वगैरह कर सकते हैं, फाइल भिजवा सकते हैं और डिफरेंट टास्क है, वॉइस चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं और इसके अलावा आपके पास एंडलेस आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जो इस वायरलेस नेटवर्क की फैसिलिटी को हासिल करके बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जैसे हर चीज के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, कोई चीज 100% सही नहीं होती, कोई चीज 100% गलत नहीं होती है। ये तमाम चीजें बेसिकली सब्जेक्टिव होती हैं विद कॉन्टेक्स्ट। कोई भी चीज होती है उसको हम अपरेंटली ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल बुरी है, किसी को नहीं कह सकते ये बहुत अच्छी है। इसी तरह वायरलेस नेटवर्क के भी जैसे बहुत से बेनिफिट्स हैं, वहां इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कुछ एरियाज में इसके सिग्नल्स वीक हो जाएंगे, अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास है तो सिग्नल्स उसे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। तो हम एडवांटेजेस से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला एडवांटेज आपकी बुक में जो गिवन है कि इजीली इसमें आप नए यूजर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वायर्ड नेटवर्क है और नया कंप्यूटर आपने ऐड करना है, आपके पास एक लैब है या आपके पास घर में दो चार कंप्यूटर्स हैं और उसमें आपने एक नया कंप्यूटर या नया डिवाइस परचेज करते हैं, तो अगर केबल कनेक्शन होते तो आपको उसके लिए एक सॉकेट, वॉल सॉकेट लगवाना पड़ता या एक पोर्ट जो है वो अवेलेबल करनी पड़ती उसकी केबल लगाने के लिए। तो अगर वो पोर्ट अवेलेबल नहीं तो आपको अपने डिवाइस को एनहांस करना पड़ सकता था। यानी आपने सपोज PTCL का आपने इंटरनेट लगवा लिया और वो वाईफाई नहीं है बल्कि केबल वाला है, तो अब आपके राउटर से जो केबल आ रही होगी वो आपके लैपटॉप में अटैच होगी तो आपको इंटरनेट मिलेगा। इसी तरीके से किसी तरीके से आप उसे अपने स्मार्टफोन के साथ केबल से अटैच करेंगे तो इंटरनेट मिलेगा। तो इस तरह नया डिवाइस ऐड करने के लिए सपोज उसमें चार पोर्ट्स थी, आपके पास ऑलरेडी चार लोगों ने उसमें अपनी केबल्स लगाई हुई है, पांचवा कंप्यूटर ऐड करना है तो आपका वो राउटर जो है वो सफिशियंट नहीं रहेगा। लेकिन वायरलेस की वजह से ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपने जितने भी डिवाइसेस ऐड करने हैं आप सिंपल उसमें आईडी और पासवर्ड डालेंगे और उसको कनेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा इसमें रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है। अब ये सिक्योरिटी वाले पॉइंट को आप बहुत गौर से सुनिएगा कि एक जगह यहाँ पर लिखा है इसके एडवांटेजेस में कि ये सिक्योर है, लेकिन डिसएडवांटेजेस में भी आपको ये बताया जाएगा कि ये सिक्योर नहीं है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि या आप इसे बाइनरी सिस्टम है कि यस या नो कहेंगे कि या तो ये है या ये नहीं है। ये है बट विद देयर लिमिटेशंस, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें जो आपके पास रोबस्ट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है इसमें ट्रैफिक ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क कैन बी फिल्टर्ड और सिंपली ब्लॉक्ड वेरी इजीली। इसमें क्या है कि आपने अगर लेट्स से कि आपने किसी को अपने नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं बनाना तो आप उसको ब्लॉक कर दें, आपका नेटवर्क सिक्योर हो गया, आपने उसको अपने नेटवर्क पे आने ही नहीं देते, अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को देखने ही नहीं देना चाहते, या अगर आपने किसी को एक्सेस प्रोवाइड करनी है तो वो भी आप इजीली सिक्योर तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी एक ही वायरलेस नेटवर्क के साथ अगर मुख्तलिफ यूजर कनेक्टेड हैं तो वो सिक्योर हो, वो उनका डाटा आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना करें, वो सिक्योर हो।
उसके बाद जो है यूजिंग वायरलेस नेटवर्क यूजर आर नो लॉन्गर टाइड टू स्पेसिफिक लोकेशन. ये वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं भी जाएं तो आप अपने जो जिन डिवाइसेस से इवन आपके घर पे पड़े कंप्यूटर से आप कनेक्ट होना चाहते हैं दुनिया के किसी और हिस्से से, या आपका ऑफिस कहीं दूर है. आज जैसे ईयर 2020 में जो हमारे पास COVID-19 की सिचुएशन आई तो वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन बहुत कॉमन हो गई. उसकी रीजन यही थी कि तमाम लोग जो है वो घरों से अपने कंपनी के अपने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम टास्क अपने घरों से परफॉर्म कर रहे थे और वो यही इंटरनेट की सर्विस को यूज करते हुए. उसके बाद जो है इसमें आपके पास यूजर्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं. अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है उस नेटवर्क का, जैसे ही आप उसकी रेंज में आते हैं आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं. वायरलेस नेटवर्क को सेटअप करना बहुत आसान होता है, आपको कोई एडिशनल इक्विपमेंट या केबल्स या डिवाइसेस जो है वो बाय नहीं करने पड़ते, जिसकी वजह से ये कॉस्टली नहीं पड़ता. इनिशियली आपको इसकी कोई कॉस्ट पड़ेगी लेकिन उसके बाद उसको एनहांस करने में, उसको इंक्रीज करने में हमें बहुत ज्यादा ये कॉस्टली नहीं पड़ता. उसके बाद आपके पास न्यू कंप्यूटर ऐड करना बहुत इजी है. ये वही बात है जो पहले, ये न्यू यूजर की बात हो रही थी पहले कि नया यूजर ऐड करना है तो उसको फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं, और यहाँ पर ये बात हो रही है कि नया कंप्यूटर ऐड करना है तो वो भी इजीली ऐड हो जाएगा. आपको कोई एडिशनल उसके लिए केबल्स नहीं चाहिए, कोई सॉकेट्स नहीं चाहिए, कोई स्विचिंग नहीं चाहिए, कोई स्विचेस वगैरह नहीं चाहिए. और उसके अलावा इससे रिमोट एक्सेस जो है वो बहुत आसानी से है मिल जाती है कि आप अपनी कंपनी के जैसे एम्प्लॉयज हैं, कोई दूसरे कंट्री से फॉर एग्जांपल ट्रेवल करके आया है और उसको अब वो किसी वजह से वापस नहीं जा सकता या जाना नहीं चाहता कुछ अरसे के लिए, तो टेम्परेरीली वो अपनी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शन ले सकता है. वो रिमोटली अपनी कंपनी के कंप्यूटर से कनेक्ट होगा और उस पर काम कर सकता है. अब देखते हैं वायरलेस नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस. The main disadvantage of wireless network is security breach. मैंने आपको जैसे बताया कि यही चीज जो पहले बताया कि सिक्योर है, कि आप इसको आराम से सिक्योर करें कि एक दूसरे की इंफॉर्मेशन मिक्स ना हो या आप किसी नेटवर्क को किसी यूजर को अलाउ ही ना करें, यानी आपके घर में लेट्स से कि नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क है, किसी आपके कुछ भी कुछ गेस्ट आते हैं आप उनके लिए एक अलग से आईडी बना दें, SSID हम उसको कहते हैं, कि गेस्ट आपके जो है वो डिफरेंट आईडी से कनेक्ट हों, आप लोग डिफरेंट आईडी से कनेक्ट हों, तो हम अपने नेटवर्क्स को सिक्योर भी कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट यूजर इस सिक्योरिटी को ब्रीच करना चाहे और आपके कंप्यूटर्स जो है उनको हैक करना चाहे तो वो भी उतना ही आसान है, क्योंकि अगर ये डिपेंड करता है हैक करने वाले की स्किल लेवल पे, उसकी एक्सपर्टीज पे. तो वायर्ड नेटवर्क में चूंकि फिजिकल एक्सेस चाहिए होती है, तो सबसे पहले तो जो कोई इंट्रूडर कहते हैं हमलावर को या जासूस जो आके घुस के हमला करता है, आपको घुस के नुकसान पहुंचाता है आपके एरिया में घुस के, तो ये जो है अगर तो वायर्ड नेटवर्क होता तो पहली बात तो ये थी कि फिजिकली किसी अननोन बंदे का वहां एंटर होना ही नामुमकिन था. अब वायरलेस नेटवर्क है, अब इसमें तो आपके घर के बाहर भी खड़ा होगे कोई बंदा जो है, या आपके ऑफिस से बाहर या बहुत दूर रहकर भी आपके नेटवर्क तक एक्सेस हासिल कर सकता है. तो ये इसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करना जो है वो भी पॉसिबल है. इसे मैं आसान तो नहीं कहूंगी लेकिन पॉसिबिलिटीज बाहर आ रहे हैं, और इसमें जो आपका इंट्रूडर है उसकी स्किल लेवल पे डिपेंड करता है, वो कितनी आसानी से किसी भी नेटवर्क से डाटा जो है उसको चुरा सकता है. जाहिर है छुप कर अगर लेगा तो उसको चुराना ही कहेंगे, और बैड इंटेंशन के लिए अगर वो ये काम कर रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई नेगेटिव पर्पस होगा. तो ये काम किया मुमकिन है, ये किया जा सकता है. तो इसमें वायरलेस नेटवर्क जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, उस पर ये काम करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क. और उसके अलावा जो है हमारे पास इसके कवरेज के इश्यूज आ जाते हैं कि आपके पास जब वायर्ड नेटवर्क है उसकी स्पीड ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि केबल फिजिकली आपके साथ कनेक्टेड है ना, आपके कंप्यूटर के साथ, तो उस पर कोई ब्रेकेज नहीं है. लेकिन यहाँ पर यह है कि कुछ जगह पर कवरेज जहाँ कम होती है, जैसे आप डिफरेंट कंपनीज के वाईफाई इंटरनेट सर्विस जो है वो, जैसे उनको वाईमैक्स हम कहते हैं, जैसे डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे जोंग की आपके पास डिवाइस है उसको जैसे बोल्ट कहते हैं गालबन, और PDCL की ईवो है, इसी तरह डिफरेंट कंपनीज जो है जैज वाले भी डिफरेंट अपने डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, सारी सेलुलर कंपनीज जो है वो डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं. तो ये जो है इनकी फिर कवरेज का इश्यू आ जाता है कि कुछ जगह पर इनके सिग्नल्स में प्रॉब्लम आता है, वो सिग्नल किसी वजह से या तो वीक हो जाते हैं, दूर तक पहुंचते रास्ते में बूस्टर्स या रिपीटर्स नहीं लगे होते, तो कवरेज का इश्यू आ जाता है.
उसके अलावा स्पीड मैंने आपको बता दिया है कि इसकी स्पीड कभी कभार स्लो हो सकती है, ये वेदर वगैरह से भी, जो अगर वेदर डिस्टर्बेंस होती है, बारिश आती है, कुछ मेट्रोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो उससे भी इसके सिग्नल्स अफेक्ट हो सकते हैं। और आपके पास वायरलेस नेटवर्क में चूंकि रेडियो सिग्नल्स यूज होते हैं, इस आपके द सिमिलर टेक्निक्स फॉर ट्रांसमिशन एंड दे आर सस्पेक्टेबल टू इंटरफेरेंस फ्रॉम मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो अगर आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है चाहे किसी भी तरीके से, तो लेट से के कुछ जगह पर जैसे जैमर्स लगे होते हैं, कुछ सिक्योर एरियाज में डेलिब्रेटली जैमर्स लगाए जाते हैं कि वो इन सिग्नल्स को वीक कर दें ताकि वहां की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर ना जा सके, तो वो अपने आसपास बाकी उन लोगों को भी अफेक्ट कर देते हैं जो कि उस सिक्योरिटी के उस एरिया में नहीं आते, तो उनकी भी कम्युनिकेशन जो है वो ब्लॉक होती है। तो इस तरह जो और उसके आसपास रेडियो सिग्नल्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, यानी अगर चूंकि ये रेडियो सिग्नल्स हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो जाएगी, इनके ये वीक पड़ जाएंगे। और उसके अलावा वायरलेस सिग्नल एनर्जी वीकेंस रैपिडली एज द सिग्नल पासिस थ्रू द एनवायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स। अब ये जो इस तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं, इनमें से जैसे गुजरती है ये वाले सिग्नल्स, तो ये वीक पड़ जाते हैं, फिर इनको दोबारा हमें बूस्ट करने की जरूरत पेश आती है, हम डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स लगा के, बूस्टर्स लगा के इनको फर्दर इन सिग्नल्स को बूस्ट कर सकते हैं। यानी ये इसकी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। इन वायरलेस नेटवर्क द बैड वेदर, ये भी मैंने आपको बता दिया कि बाज़ुका वेदर कंडीशन जो होती है उसकी वजह से भी हमारा वायरलेस नेटवर्क जो है वो अफेक्ट हो सकता है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रेडियो सिग्नल्स। अब थोड़ी थोड़ी डिटेल इनकी देख लेते हैं, किस तरह के ये सिग्नल्स होते हैं, किस तरह ये कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। अ रेडियो सिग्नल और रेडियो वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटेड बाय एन एंटीना। एंटीना के जरिए ये सिग्नल्स जो हैं वो आप कह लें कि हवा में भेजे जाते हैं। रेडियो वेव्स हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड ट्यूनिंग अ रेडियो रिसीवर टू अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी यू कैन पिक अप स्पेसिफिक रेडियो सिग्नल्स। तो आप डिफरेंट रेडियो सिग्नल्स, आप अपने रेडियो को, आप अपने चाहे अपने सेल फोन पर भी आपको रेडियो अवेलेबल होता है, इसके अलावा भी एक डिवाइस मिलता है, ये सामने तस्वीर में आपको दिखाया गया जो रेडियो है, तो ये इनके एंटीनास होते हैं। सेल फोन में भी एंटीना होता है, यूजुअली हमारे सेल फोन्स में, जो पुराने सेल फोन थे उनमें बाहर हमें एक बड़ा सा एंटीना नजर आ रहा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें स्मार्ट और कॉम्पैक्ट होती जा रही हैं, तो इनमें इंटरनली एंटीनास मौजूद होते हैं, वो इंटरनल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। तो ये आपके ये जो हम रेडियो होता है इसके ऊपर हम ट्यूनिंग करते हैं, जब आप अपनी गाड़ी के म्यूजिक प्लेयर में भी जो रेडियो होता है उस पर भी ट्यूनिंग करते हैं, तो जिस एरिया में आपकी गाड़ी होती है वहां नियरेस्ट जो फ्रीक्वेंसी, जिसके सिग्नल ज्यादा अच्छे होते हैं, वो वाले चैनल कैच कर लेती है और आपको वो वाले चैनल की ट्रांसमिशन जो है वो मिल जाती है। और रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, बेसिकली एक इसमें ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। जो रेडियो हमारे पास होता है, चाहे वो हमारी गाड़ी में लगा हुआ है या हमारे पास इस तरह रेडियो सेट की सूरत में है या वो हमारे सेल फोन में है, वो बेसिकली रिसीवर है, वो ट्रांसमीटर नहीं है। ट्रांसमीटर कौन है? रेडियो स्टेशन, जहां से वो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, जहां से वो तमाम नशरियात जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। तो ट्रांसमीटर जो है वो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करके हवा में छोड़ देता है और जो रिसीवर चाहता है वो उसको रिसीव कर लेता है। आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम इंक्लूड्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कम्युनिकेट। डेफिनेटली कायनात में कोई भी चीज जो है वो किसी भी तरतीब के बगैर नहीं चल सकती, तो इसी तरीके से जो ह्यूमन मेड चीज हमारे पास चीजें हैं उनमें भी कुछ ना कुछ रूल्स हैं, वो स्पेसिफाई किए जाते हैं कि ट्रांसमीटर जो है वो किस तरह रिसीवर से कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए उनको एक खास फ्रीक्वेंसी बता दी जाएगी कि अब रिसीवर को पता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे मैं जाऊंगा तो मुझे ये चैनल मिलेगा। और जो चैनल बेसिकली रेडियो चैनल्स होते हैं, जब वो एलोकेट भी किए जाते हैं उनको बेसिकली फ्रीक्वेंसी दी जाती है, जैसे इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का चैनल है उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, आप उसी फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो आपको वो चैनल की नशरियात सुन सकते हैं। तो ये बेसिकली रूल है जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान ऑलरेडी डिसाइडेड है। अर्ली रेडियो सिग्नल्स वर एनालॉग बट टूडे मोस्ट ऑफ द रेडियो सिग्नल्स आर डिजिटल। अब पहले जो है वो रेडियो की ट्रांसमिशन भी हमारे पास जो है वो
आप कह लें कि लिमिटेड ये थी क्योंकि सारे जो सिग्नल्स थे वो भी एनालॉग फॉर्म में थे। अब हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल्स जो है वो ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। इस फिगर में देखें, ये ट्रांसमीटर है जो ट्रांसमिट कर रहा है रेडियो सिग्नल्स। इस रेडियो सिग्नल को एक रेडियो सेट जो है वो ले रहा है, रिसीव कर रहा है। इसको एक टीवी सेट भी रिसीव कर सकता है। इसको एक जीपीएस डिवाइस जो आपकी गाड़ी में अगर मैप वगैरह के लिए, नेविगेशन के लिए गूगल मैप या कोई इस तरह की सर्विस अवेलेबल है तो वो भी इन रेडियो सिग्नल्स की हेल्प से ट्रैफिक की कंडीशन और जो आगे जिस भी डेस्टिनेशन पे आपने जाना है उसका पाथ और उसका उसकी राउटिंग वगैरह करके आपको उसका राउट जो है वो डिसाइड करके बता देता है। अब देखते हैं रेडियो ट्रांसीवर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही शामिल होते हैं। ट्रांसीवर इज अ डिवाइस विच कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव अ रेडियो सिग्नल एंड हैव अ कॉमन सर्किट्री इन अ सिंगल हाउसिंग। एक ही आउटसाइड पे एक ही हाउसिंग, एक ही बॉडी होती है, उसके अंदर ट्रांसमीटर भी लगा होता है और रिसीवर भी लगा होता है। इन केस ऑफ रेडियो द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स आर सेपरेटेड। जो रेडियो सेट की हमने बात की उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर अलग होते हैं। द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इज बेसिकली अ ट्रांसमीटर। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट इसमें अपने टॉपिक में कि जो रेडियो स्टेशन होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है और हमारे पास जो रेडियो होता है वो रिसीवर होता है। लेकिन कुछ जगह पर जैसे सेल फोन में है तो उसमें आपके पास जो है दोनों फंक्शन होते हैं। उसमें आप जो है इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है सेल फोन वो एक ट्रांसीवर की एक एग्जांपल है और ये एक रेडियो ट्रांसीवर जो है वो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिवाइस है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसको आम जुबान में हम एपी भी बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। अभी जब यहाँ वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी यहाँ मैंने ये वर्ड इसका जिक्र किया था कि जब भी हमारे पास इसके सिग्नल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम उसके आगे एक एक्सेस पॉइंट लगा लेते हैं। ये उसी डिवाइस की बात हो रही है। तो वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज अ डिवाइस दैट अलाउज द वायरलेस डिवाइस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई। अब आपने एक वायर्ड नेटवर्क के साथ जो है आप एक अपना एक्सेस पॉइंट लगाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगी कि सपोज आपके पास एक कनाल का घर है और आपने एक जगह पर पीटीसीएल का या नया, अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो नयाटेल का आपने कनेक्शन लिया हुआ है और वो वायर्ड कनेक्शन है, वो आपके घर तक केबल आई है और आपके पास एक राउटर पड़ा है। अब आपने उसको अपने एक कनाल के घर में किसी दूसरे हिस्से में उसके वाईफाई सिग्नल्स एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप कुछ जहां तक वो सिग्नल्स आपको रिसीव हो रहे हैं उसके वाईफाई के, वहां पर आप एक एक्सेस पॉइंट लगा देंगे। वो एक्सेस पॉइंट क्या कर रहा है, बेसिकली वो वाईफाई वो वायरलेस तरीके से आपके वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। फिर वो एक्सेस पॉइंट आपके वायर्ड नेटवर्क से सिग्नल्स लेगा, इंटरनेट सर्विस लेगा और आगे आपके बाकी डिवाइसेस को वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर देगा। तो देखें ये, अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। ये ऐसा डिवाइस है एक्सेस पॉइंट दैट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई। तो ये आपके जो स्मार्टफोन है वो वायरलेस डिवाइसेस है, इनको वायर्ड डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट है और ये एक्सेस पॉइंट खुद जो है ये वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होता है। एक्सेस पॉइंट कनेक्ट टू द वायर्ड नेटवर्क एंड देन ब्रॉडकास्ट सिग्नल वायरलेसली टू ऑल द अदर वायरलेस डिवाइसेस। ये खुद जो है वो आपके पास वायर्ड के साथ कनेक्टेड है। इसमें आपके पास पीटीसीएल के राउटर की भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, नयाटेल का राउटर जो फिक्स्ड इंस्टॉल होता है आपके घर में उनकी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये आपके पास फिक्स्ड डिवाइसेस हैं जो आपके घर में ही चलेंगे, जहां पर ये इंस्टॉल्ड है उससे ज्यादा दूर तक ये नहीं चलेंगे अनलेस के आप इनको फर्दर और वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा के इनको मजीद एनहांस करें, एक्सटेंड करेंगे बेसिकली। फॉर कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर अ वायरलेस नेटवर्क दे मस्ट सपोर्ट द वायरलेस लैन प्रोटोकॉल कॉल्ड वाईफाई। अगर किसी कंप्यूटर ने वाईफाई सर्विस यूज करनी है तो उसके पास जो है वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क कार्ड होना जरूरी है ये उसके, और उसके पास वायरलेस लैन प्रोटोकॉल भी होना चाहिए जिसकी हेल्प से वो वाईफाई सर्विस को यूज कर सकता है। और आजकल हमारे पास ज्यादातर कंप्यूटर जो हैं वो उनके अंदर बिल्ट इन वाईफाई आता है और जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर जो हैं वो इजीली इन वायरलेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं।
वायरलेस एक्सेस पॉइंट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। इससे पहले आप ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट का फिगर भी देख लें। इसमें देखें, ये एक एक्सेस पॉइंट जो कि यहाँ केबल्स के जरिए कनेक्टेड है, ये कुछ फाइल सर्वर है, ये आपके पास कोई डेस्कटॉप पीसीज हैं, इनकी हेल्प से ये कनेक्टेड है कंप्यूटर्स की हेल्प से, और ये बाकी कंप्यूटर्स को, इस लैपटॉप को, इस कंप्यूटर को, इनको ये वायरलेस तरीके से, वाईफाई तरीके से इंटरनेट की या कोई भी और सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर के जो एंटीनास होते हैं उन्हें एक लाइन ऑफ साइट में होना जरूरी है। यानी लाइन ऑफ साइट से मुराद है कि ये डायरेक्टली एक दूसरे के लिए विजिबल हों। अब रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर देखें कि आपके पास अगर दो जगह पे कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन, एक जगह पे ट्रांसमीटर पड़ा है, दूसरी जगह रिसीवर है, पूरा स्टेशन भी आपके पास पड़ा है, तो बीच में लेट्स से कि माउंटेन्स हैं, पहाड़ आ जाते हैं, तो उनकी हाइट तो बहुत ज्यादा है। ये इस तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, और आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो जिस जगह पर पहाड़ आ जाते हैं वहां पे कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे आपको। लेट्स से कि यहाँ एक माउंटेन है, एक पहाड़ है, आपको इस तरफ भी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है, दूसरी तरफ भी प्रोवाइड करनी है, फिर ऐसी चीजों के सोल्यूशन देखे जाते हैं। तो सोल्यूशन क्या है कि आप उसको हाइट पे किसी एक तीसरा डिवाइस वहां इंट्रोड्यूस कर दें जिसके लिए वो दोनों डायरेक्टली विजिबल हों, तो आपकी ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन बन जाती है। या तो इधर दे आर डायरेक्टली विजिबल टू ईच अदर, और यू इन्वॉल्व अ थर्ड डिवाइस, और उस थर्ड डिवाइस के लिए वो दोनों डायरेक्टली विजिबल होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में उनके लिए वो विजिबिलिटी बन रही होती है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं आ रही होती। तो इसमें देखें कि ये फिगर में आपको लाइन ऑफ साइट शो की गई है। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन वेयर द सिग्नल्स कैन नॉट पास थ्रू द स्ट्रक्चर्स एंड हिल्स। जहां रास्ते में आपके पास रुकावटें हैं और उनमें से सिग्नल्स क्रॉस नहीं कर सकते, तो आप लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं। और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में आपके पास ट्रांसमीटर्स जो हैं वो उनको हाई बिल्डिंग्स पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, या माउंटेन टॉप्स पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, या बड़े बड़े टावर्स आपने देखे होंगे, जैसे डिफरेंट सेलुलर कंपनीज के डिफरेंट टावर्स होते हैं। और इसी तरह से फिर रिले स्टेशंस या बूस्टर्स लगाए जाते हैं, जो कुछ ये जो आपके पास टावर्स हैं इनसे जो सिग्नल्स निकलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो कुछ देर के बाद जाके थोड़ा सा उस जब एयर में ट्रेवल करेंगे उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वहां पर वो सिग्नल्स वीक हो जाएंगे, तो उन सिग्नल्स को फिर दोबारा बूस्ट करने की जरूरत पेश आती है, उनको दोबारा से पावरफुल बनाना पड़ता है। उसके लिए रिले स्टेशंस या बूस्टर्स लगाए जाते हैं, वो बूस्टर्स उन सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, फिर उनको वो एम्पलीफाई कर देते हैं, यानी वो सिग्नल दोबारा से एम्पलीफाई हो जाते हैं, फिर पहले की तरह स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर उनको रिट्रांसमिट कर दिया जाता है अगले स्टेशन पे। आपने सिक्स ग्रेड में इसी तरह से आपने सेलुलर कम्युनिकेशन में ये पढ़ा होगा, जिसमें गिवन है कि एक यूजर जो है वो एक एरिया से, एक सेल से आप कह लें, वहां से सिग्नल उसका जो है सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है उसका सेलुलर डिवाइस, और जैसे वो बात करते करते मूव करता है तो वो जैसे नेक्स्ट कोई भी टावर आता है जहां से उसको सिग्नल्स मिलने होते हैं, तो वो एक टावर के एरिया से निकलता है तो दूसरे टावर के एरिया में एंटर हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि सिग्नल्स जो बीच में आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तो बास जगह पर आपकी आवाज जो है वो टेलीफोन पे, सेलर फोन पे ब्रेक होती है, या आपको जो सुनाई नहीं देती आवाज, लेकिन थोड़ा ही आगे आप ट्रेवल करते हैं तो दोबारा आवाज ठीक हो जाती है। मींस के उस स्पेसिफिक टाइम पे आप एक स्टेशन से निकल के दूसरे स्टेशन में मूव कर रहे हैं और वहां पर सिग्नल्स वीक हो गए थे, लेकिन जैसे ही आप अगले स्टेशन के एरिया में आ गए आपके सिग्नल्स दोबारा से बूस्ट होकर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो विदाउट एनी डिस्टॉर्शन देना शुरू हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन। अब ये डिस्टेंस की बेस पे हम इनको दो डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कितने रीजन में कवर करती है। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस हो सकती है कि दो मोबाइल डिवाइस आमने सामने पड़े हैं, एक ही बिल्डिंग में, एक ही कमरे में मौजूद हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो सकती है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहां पे बैठे हुए दो लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन कौन कौन सी है उसको पहले हम देख लेते हैं। इसमें आपके पास बहुत ही शॉर्ट फ्यू मीटर्स का या फिर मैक्सिमम 50 किलोमीटर का की रेंज हो सकती है।
और इसमें कौन कौन से डिवाइसेस हैं, इसमें आपके पास वाईफाई की सर्विस है, वाईमैक्स, ब्लूटूथ, ये टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं, वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ एंड इंफ्रारेड। ब्रीफली मैं आपको, वैसे तो इनकी डिटेल यहाँ गिवन है आगे सारी, लेकिन चूंकि ये हमारे सिलेबस में 6.2 नहीं है तो फिर हम इसको, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक रफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यहाँ ये भी आपके पास जैसे लिखा हुआ है कि वायरलेस से बनता क्या है, ये वायरलेस फाइडेलिटी बनता है, और इस तरह की डिफरेंट डिटेल गिवन है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपके रिड्यूस सिलेबस में ये शामिल नहीं है। तो वाईफाई वो सर्विस है जिससे आप कॉमनली यूज करते हैं घरों में, आपके पास एक राउटर होता है जिससे वो वाईफाई सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, आप अपने सेल फोन को भी एक राउटर बना लेते हैं जब आप उसे हॉटस्पॉट बनाते हैं, वो भी एक वाईफाई के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला प्रोवाइडर भी बन जाता है, ट्रांसमीटर भी बन सकता है वो। इसी तरह वाईमैक्स आपके पास वो डिवाइसेस होते हैं जैसे जैसे पीडीसीएल ईवो टाइप के जो डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस जिनके जरिए आप अपने पास खुद तो वो केबल्स के जरिए या किसी तरीके से कनेक्टेड होते हैं अपने बेस स्टेशन से, और आगे सर्विस जो है वो वायरलेस तरीके से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये वाईमैक्स डिवाइसेस होते हैं। ब्लूटूथ बहुत ही, आप कह लें कि इतनी शॉर्ट डिस्टेंस है आपके पास कि एक बिल्डिंग के अंदर ही इसको यूज किया जा सकता है, या उससे भी कम डिस्टेंस में, चंद मीटर के डिस्टेंस पे आप कह लें, क्योंकि इसमें आपके पास आप कह लें कि जैसे आप हैंड फ्री यूज करते हैं ब्लूटूथ, या ब्लूटूथ इनेबल्ड जो है वो आप कीबोर्ड या माउस यूज कर रहे हैं, तो उसकी रेंज चंद मीटर तक ही होती है। डिपेंड करता है आपके डिवाइस की स्पेसिफिकेशन पे कि वो कितनी दूर तक काम कर सकता है। और इंफ्रारेड जो है ये इसकी और इससे भी ज्यादा शॉर्ट है, ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, सबसे ज्यादा रेंज वाईफाई की है, उससे कम वाईमैक्स की है, उससे कम ब्लूटूथ की है, और उससे कम इंफ्रारेड की है। तो इंफ्रारेड में भी आप दो सेल फोन में अगर इंफ्रारेड मौजूद है, आप उसको ऑन करते हैं, उनको आमने सामने रखेंगे करीब, और उसके बाद आप फाइल्स एक सेल फोन से दूसरे सेल फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं उनको फिजिकली कनेक्ट किए बगैर। दूसरा जो आपके पास है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपके पास जो है 50 किलोमीटर से ज्यादा और फिर अक्रॉस द वर्ल्ड आप अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिसके अंदर जो है वो आपके पास डिफरेंट जो मेथड यूज होते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन भी है, उसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी है जो सेटेलाइट को यूज करते हैं, ये बेसिकली कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स को यूज करते हैं ये सर्विसेज, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड आप कह लें कि 50 किलोमीटर से ज्यादा जब आपकी कनेक्टिविटी या इंटर नेटवर्क का साइज इंक्रीज होता है तो फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस नेटवर्क में एंटर हो जाते हैं। तो यहां तक हमारा यूनिट नंबर 6 का जो सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट का की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।